दोस्तों, आईएएस ऑफिसर की गाड़ी से नीली और पीली बत्ती तो हट चुकी है, लेकिन इस सर्विस का क्रेज कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि यह देश की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है। इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। आईएएस कैसे बने, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, क्या परसेंटेज रिक्वायर्ड है, कब फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं, कितनी बार अटेम्प्ट दे सकते हैं, कट ऑफ क्या है और इसके लिए क्या पढ़ाई की जाए, मतलब फॉर्म भरने से लेकर इंटरव्यू तक का पूरा प्रोसेस जानिए। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल का आइकॉन ऑन नहीं किया है तो प्लीज़ ऑन करिए। ऐसा करने से नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात कि अगर कोई बोले कि आईएएस का एग्ज़ाम देना है तो यह गलत है। दरअसल यह सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है। इसमें आईएएस, आईएफएस, आईपीएस सहित कुल 24 तरह की सर्विसेज के लिए सिलेक्शन होता है। इस एग्ज़ाम को यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सवाल यह है कि जितने भी आईएएस और आईपीएस बनते हैं उन्हें जॉब किस चीज़ की मिलती है, किस विभाग में काम करते हैं। तो जितने भी डीएम, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डिपार्टमेंट के हेड होते हैं वे सभी आईएएस होते हैं, विभाग के सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी आदि। आईपीएस कैडर के लोग पुलिस में अफसर बनते हैं। अब आपको सिविल सर्विस एग्ज़ाम कैलेंडर दिखाता हूँ। एक साल पहले ही पूरा कैलेंडर आ जाता है। इससे पता चलता है कि कब कौन सा एग्जामिनेशन है और कब फॉर्म भरना है। एज क्राइटेरिया को लेकर ज़्यादातर स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए, जनरल के लिए 21 से 32 ईयर, ओबीसी के लिए 21 से 35 ईयर और एससी व एसटी के लिए 21 से 37 ईयर एज क्राइटेरिया है। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से हैं तो इसमें जनरल के लिए मैक्सिमम 37 एज है। फिजिकल चैलेंज्ड पर्सन के लिए 42 इयर्स, और जो डिसेबल्ड हैं जैसे ब्लाइंड, डेफ हैं, तो जनरल में 37, ओबीसी में 38 और एससी एसटी में 40 ईयर तक मैक्सिमम एज लिमिट है। आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म भरने के लिए आपके पास कितना टाइम है। अगला सवाल है कि क्वालिफिकेशन क्या होगी। सबसे बेस्ट पार्ट इस एग्ज़ाम का क्वालिफिकेशन है। इसके लिए किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का टॉपर होने की ज़रूरत नहीं है, किसी आईआईटी या आईआईएम से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। सीधी बात है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो सिविल सर्विस एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहे बीए किया हो या मेडिकल या इंजीनियरिंग, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई परसेंटेज की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जस्ट पास हों किसी भी डिग्री कोर्स में, ग्रेजुएट हों किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वह बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो या बीटेक, तो आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। माइंड से निकाल के चलिए कि टॉपर ही क्वालिफाई कर सकते हैं। हाँ, जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में हैं वे भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात कि कैंडिडेट सिटीजन ऑफ इंडिया हो। आईएएस और आईपीएस के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट है, बट अदर देन सर्विसेज जैसे आईएफएस, आईआरएस आदि में नेपाल, भूटान, पाकिस्तान के माइग्रेट हो सकते हैं। अब बात आती है अटेम्प्ट की, मतलब कितनी बार एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं। तो जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट होते हैं, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट और एससी व एसटी के लिए टिल द एज ऑफ लिमिट। सेम कंडीशन जम्मू एंड कश्मीर वालों के लिए है। अब एक और बात जिसको लेकर स्टूडेंट्स में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, याद रखिए कि फॉर्म भरने से अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। जब आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में शामिल होंगे तभी अटेम्प्ट काउंट होगा। सिविल सर्विस एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने का चांस 0.21% रहता है। पिछली बार 11,37,000 यूथ ने फॉर्म डाला था, लेकिन प्रीलिम्स देने गए 5 लाख। इसमें क्वालिफाई 15,445 ने किया। इंटरव्यू के लिए 2,955 उम्मीदवार गए, जबकि चयनित हुए 1,099। यहाँ आंकड़ा बहुत कम है, लेकिन अगर आप एसएससी या आईबीपीएस का डेटा देखेंगे तो तकरीबन इतने ही चांसेस रहते हैं सिलेक्शन के। आपको सिर्फ सोचना है कि एक सीट आपके लिए है। अगर ज़्यादा सोचेंगे तो माइंड में बर्डन ही बढ़ेगा। अब बात करते हैं कोर्स पैटर्न का। पहला है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरा मेंस एग्ज़ाम और थर्ड है इंटरव्यू। प्रिलिम्स एग्ज़ाम में दो पेपर होते हैं। पहला
पहला जनरल स्टडीज़ और दूसरा सीसेट का होता है। दोनों दो दो घंटे के पेपर होते हैं। दोनों में 200 200 मार्क्स होते हैं, लेकिन क्वेश्चन दोनों में डिफरेंट होते हैं। एक में 100 क्वेश्चन और दूसरे में 80 क्वेश्चन होते हैं। इसमें आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में से किसी में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, डिपेंड ऑन यू कि किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। फर्स्ट पेपर में जनरल स्टडीज़ के सारे एरिया कवर होते हैं, हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, जनरल साइंस, गवर्नेंस, ETC। जबकि सेकेंड पेपर यानी सीसेट में SSC बैंकिंग एग्ज़ाम टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिसी आदि होते हैं। सवाल है कि दोनों पेपर में डिफरेंस क्या है? तो दूसरा वाला सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको 200 से कम 66 नंबर लाने ही होंगे, जबकि पहला वाला पेपर मेरिट बनाती है और इसी आधार पर आप दूसरे स्टेज यानी मेंस एग्ज़ाम तक पहुंच पाते हैं। एक बात और कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यह टफ सब्जेक्ट है, हाई लेवल का आएगा। पहली बात कि एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, दूसरी बात इसमें 10th 11th 12th का ही पूछा जाता है। इसका मेन पार्ट करेंट अफेयर्स होता है, आपको डे टू डे लाइफ से क्वेश्चन होंगे। इसके लिए 11वीं 12वीं के बुक और मार्केट में बहुत सारी बुक आती हैं जनरल एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़िए, ऐसा नहीं है कि मंथ के एंड में कोई मैगज़ीन ले ली और पढ़ लिया, नहीं, इससे नहीं होगा। अब सवाल है कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम के फर्स्ट स्टेज को पार करने के लिए कितना कट ऑफ बनता है? पिछले एग्ज़ाम में जनरल का कट ऑफ 116, OBC का 110, SC का 99 और ST का 96 था। इसमें सेकंड पेपर का मार्क्स नहीं जुड़ा है। अब बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। इस सेकंड स्टेज में आपका फ्यूचर डिसाइड होगा, क्योंकि इसी के मार्क्स काउंट होते हैं। एक बात और कि प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, यह केवल सेकंड स्टेज तक जाने की प्रक्रिया है। मेंस एग्ज़ाम में टोटल 9 पेपर देने हैं, इसका टोटल मार्क्स 1750 रहेगा। इसमें आपको 9 में से 7 सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो मेरिट बनाई जाती है वह 7 सब्जेक्ट से आती है। इसके अलावा क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, इसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, लेकिन आपको 33% नंबर लाना ही पड़ता है। इसमें एक पेपर इंग्लिश का होता है जबकि दूसरा लैंग्वेज का होता है, मतलब दोनों ही लैंग्वेज के होते हैं। सवाल है कि आखिर मेंस एग्ज़ाम के पेपर का सब्जेक्ट क्या है? तो सबसे पहले बात जनरल एसे की। इसके नाम से ही समझ रहे होंगे कि इसमें निबंध आता है, किसी भी सब्जेक्ट पर, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी आदि। एग्ज़ाम में दो दो एसे लिखने को मिलते हैं, मतलब 125 125 मार्क्स के जनरल स्टडीज़ का। इसमें इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी और सोसाइटी कवर होता है। थर्ड पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन आता है। फोर्थ पेपर में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी मतलब इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट से सवाल आते हैं। इसके बाद आता है एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। सामान्य शब्दों में कहूँ तो आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, किसी घटना को लेकर आप कैसे रिएक्ट करते हैं, जैसे खुशी क्या है। इसका उत्तर अलग-अलग लोगों के लिए वैरी कर सकता है। एक सैनिक के लिए मोर्चे पर जीत उसकी खुशी हो सकती है, एक छात्र के लिए एग्ज़ाम में टॉप करना हैप्पीनेस हो सकती है। अब अगले पेपर की बात करें तो दो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, इनमें से अपनी मर्जी का सब्जेक्ट चूज करना होता है। कुल 26 ऑप्शन होते हैं। इसके बाद लैंग्वेज का पेपर देना होता है, एक इंग्लिश और दूसरा कोई भी आपका लोकल लैंग्वेज हो सकता है, लेकिन वही लैंग्वेज जो संविधान में देखने को मिलता है। ध्यान दीजिए कि लैंग्वेज के दोनों पेपर केवल क्वालिफाइंग हैं, मतलब 33% नंबर लाना ही है, लेकिन इसके नंबर मेंस में नहीं जुड़ेंगे। अब सवाल है कि मेंस एग्ज़ाम में कट ऑफ कितना होता है? पिछली बार टोटल 1750 मार्क्स में से जनरल के लिए कट ऑफ 787 गया, जबकि OBC के लिए 745, SC के लिए 739 और ST के लिए 730।
यह कट ऑफ देखकर आपको लग रहा होगा कि यह काफ़ी कम है, लेकिन हकीकत यह है कि इस एग्ज़ाम में एक एक नंबर लाना टफ है, एक एक नंबर पर रैंक बदल जाती है। मेंस एग्ज़ाम को क्लियर करके आप थर्ड स्टेज में पहुंच जाते हैं, इसे पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं और आम भाषा में इसे इंटरव्यू कहा जाता है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स यहीं पर रिजेक्ट हो जाते हैं। जिन लोगों ने इंटरव्यू दिए हैं उनका कहना है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वे ऑफ टॉकिंग पर मामला गड़बड़ हो जाता है। सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए पिछली बार कितना कट ऑफ रहा, तो जनरल के लिए 988, ओबीसी के लिए 951, एससी के लिए 937 और एसटी की बात करें तो 920 कट ऑफ गया। 2025 मार्क्स में से निकल कर आया है, जो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स हैं। अब सवाल उठता है कि कुल कितने सिलेक्शन हुए, तो पिछले एग्जामिनेशन यानी 2016 में टोटल 1099 सिलेक्शन हुए। इनमें 500 जनरल, 347 ओबीसी, 163 एससी और 89 एसटी में। अब देखिए कि किस कैटेगरी में कितना सिलेक्शन हुआ, मतलब कितने लोग आईएएस बने। अगर आप अंडर 100 रैंक में हैं तो चांसेस रहते हैं कि आप आईएएस बन जाएं। ज़्यादा रैंक है तो आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस सहित 24 सर्विस में से कोई एक मिलेगी। फॉर्म भरते समय ही आपको चॉइस भी भरनी होती है कि कौन कौन सी सर्विस आप पसंद करते हैं। तीनों सर्विस यानी आईएएस, आईएफएस और आईपीएस को ऑल इंडिया सर्विस कहा जाता है, बाकी सर्विस सेंट्रल सर्विस में आती है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा कि इतनी सारी मेहनत करवा ली तो सैलरी क्या होगी। इनकी सैलरी डिफर करती है ग्रेड वाइज, रैंक और जॉब के अनुसार। जैसे डीएम का पे स्केल 50,000 से 1.5 लाख, मंत्री के सचिव या विभाग के प्रमुख सचिव को 1 लाख से 2 लाख, चीफ सेक्रेटरी को 2 लाख और कैबिनेट सेक्रेटरी को 2.5 लाख मिलता है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि तैयारी के लिए स्ट्रेटजी क्या बनाई जाए। मेरा मानना है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करो, पूरा सिलेबस पढ़ो, टॉपर्स की बातें सुनो, लेकिन उसी को फॉलो करके आगे नहीं बढ़ना है। सबकी सुनो और अपने मन की स्ट्रेटजी तैयार करो, क्योंकि हो सकता है कि जो सब्जेक्ट टॉपर का है वह आपके मनपसंद ना हो। और हाँ, सिविल सर्विस की तैयारी सिर्फ इसलिए मत कीजिए कि किसी ने आपको सलाह दी है, यह आवाज़ आपके मन से आनी चाहिए, तभी आप दिल और दिमाग से इस एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो तुरंत लाइक बटन दबाइए। दूसरों को भी सिविल सर्विस के बारे में बताना चाहते हैं तो शेयर कीजिए, और करियर से जुड़ी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दीजिए, ताकि लगातार आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।